दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, आज हो गया है 27 दिसंबर 2018 गुरुवार। आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आपके लिए हाजिर है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके आज की 25 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरबीआई जल्द जारी करेगा 20 रुपए का नया नोट, डिजाइन और साइज में होगा अलग। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द ही 20 रुपए का नया नोट जारी करेगा। केंद्रीय बैंक के एक दस्तावेज से इसकी जानकारी दी गई है। आरबीआई इससे पहले 10, 50, 100 और 500 रुपए के मूल्य के नोट जारी कर चुका है। इसके अलावा 200 और 2000 रुपए के नोट भी जारी कर दिए गए हैं। 20 रुपए का यह नोट महात्मा गांधी फ्रिज में जारी होगा। यह पहले जारी किए गए नोटों से आकार और डिजाइन में अलग होगा। पुरानी सीरीज में जारी नोट पहले की तरह ही चलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट करके नीचे बताना है। सही जवाब देने वाले को बीबी न्यूज की तरफ से मिलेगा अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली जीत सके कई बड़े इनाम। चुनाव से पहले मोदी सरकार का मेगा प्लान, बेरोजगारों के खाते में हर महीने आएगी सैलरी। देश भर की जनता को मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई को लागू करने की योजना बना रही है। यह भी उम्मीद है कि कैबिनेट की 27 दिसंबर को होने वाली आम बैठक में यूबीआई को लागू करने के बारे में चर्चा होगी। यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद गुरुवार को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ स्कीम के मॉडल पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी यह स्कीम देश के कुछ राज्यों में चल रही है। अब उस्ताद करेगा भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा। जानिए कौन है ये और इसकी क्या है खासियत। भारतीय रेलवे अब सुरक्षा के लिए उस्ताद की मदद लेगा। उस्ताद के जरिए भारतीय रेलवे की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाया जाएगा। चौकिए मत, दरअसल रेलवे का यह उस्ताद एक रोबोट है। दरअसल भारतीय रेलवे के नागपुर डिवीजन ने अति आधुनिक इन हाउस रोबोट को तैयार किया है और उसे नाम दिया है उस्ताद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उस्ताद रेलवे सुरक्षा के लिए बेहद सार्थक कदम बताया जा रहा है। दरअसल उस्ताद का मतलब है अंडर गियर सर्विस लाइसेंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्राइव। बदल जाएगा खाने पीने की चीजों का पैकिंग सिस्टम। सेहत के मद्देनजर लागू होंगे ये नियम। यहाँ दोस्तों, हो सकता है आप दुकान पर कोई खाने पीने की चीज लेने जाएं और उसकी पैकेजिंग पहले से एकदम अलग हो। ऐसे में आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जल्द ही फूड पैकेजिंग का नया नियम आ सकता है। सूत्रों के अनुसार ऐप SSAI इसको लेकर इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। नया नियम लागू होने के बाद खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग पूरी तरह बदल जाएगी। ऐप SSAI फूड पैकेजिंग के नए नियमों पर लंबे समय से काम कर रही है। कानपुर वालों को रेलवे देगा बड़ी खुशखबरी, जल्द शुरू होगी हाई स्पीड ट्रेन। भारतीय रेलवे कानपुर वालों को जल्द एक और सौगात देने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही कानपुर से नई दिल्ली के लिए मिनी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। गाजियाबाद से कानपुर के बीच हाई स्पीड ट्रैक 31 मार्च तक 160 किलोमीटर की स्पीड लायक हो जाएगा। हालांकि इसकी अभी कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगले साल अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभी इस ट्रैक पर ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर है, लेकिन इतनी स्पीड का सेक्शन 144 किलोमीटर की दूरी में केवल 80 किलोमीटर का ही है। कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट, पेट्रोल डीजल के रेट में राहत बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के रेट में राहत बरकरार है। सोमवार को कच्चे तेल में $3.33 प्रति बैरल की गिरावट के बाद मंगलवार को भी इसमें मामूली गिरावट देखी गई है। मंगलवार को कच्चे तेल में $0.21 प्रति बैरल की कटौती हुई है और यह $50.56 के स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ बुधवार सुबह पेट्रोल और डीजल के रेट पुराने स्तर पर ही बने रहे। दिल्ली में पेट्रोल लगातार दूसरे दिन 69.79 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगातार तीसरे दिन 63.83 रुपए के स्तर पर रहा। इससे पहले पेट्रोल में मंगलवार को 7 पैसे की कटौती हुई। 12 से 16 जनवरी के बीच रेलवे चलाएगा मकर संक्रांति स्पेशल ट्रेन। रेलवे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर लगने वाले मेले और उसमें शिरकत करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोरखपुर से बरनी और गोरखपुर से नौतनवा के बीच 12 जनवरी से मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रहा है, जो 16 जनवरी 2019 तक चलेगी। यही नहीं, गोरखपुर बरनी गोंडा तथा गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों में 2 अतिरिक्त साधारण द्वितीय श्रेणी के कोच 12 से 15 जनवरी तक लगाए जाएंगे। शाहरुख खान से मिलने का मौका केवल जियो वालों के लिए ही आया है ये खास ऑफर। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ ही अपने करोड़ों यूजर को धमाकेदार ऑफर दिए हैं। साल 2018 खत्म होने वाला है, ऐसे में जियो एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में साल को अलविदा कर रहा है। इस बार अपने यूजर को जियो की तरफ से दिया जाने वाला ऑफर काफी खास है, क्योंकि जियो अपने यूजर को बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से मिलने का मौका दे रहा है। अगर आप जियो का नंबर यूज करते हैं तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास इनाम जीतने का मौका है। अगर आप भी
जियो के ग्राहक हैं तो सबसे पहले माई जियो ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में आपको एक कॉन्टेस्ट दिखाई देगा जिसमें भाग लेने वाले भाग्यशाली विजेताओं को शाहरुख खान से मिलने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कॉन्टेस्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें पूरी डिटेल होगी कि शाहरुख खान से मिलने के लिए आपको क्या करना। आज की बैंक हड़ताल के बाद नए साल में भारत बंद की तैयारी। 8 और 9 जनवरी को होगी महा हड़ताल। सरकारी बैंकों के 10 लाख बैंक कर्मचारी आज 3 बैंकों के विलय होने के विरोध में हड़ताल पर हैं। इसके चलते ज्यादातर बैंकिंग कारोबार आज ठप पड़ा है, लेकिन आज की हड़ताल को सिर्फ एक ट्रेलर माना जा रहा है क्योंकि नए साल में 8 और 9 जनवरी को देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन महा हड़ताल की तैयारी कर रही है। उनकी योजना इस हड़ताल में सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के साथ ही किसानों और मजदूरों को भी शामिल करने का है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बिना लाइन में लगे बुक होगा ट्रेन का जनरल टिकट, किराए में भी होगा 5% का फायदा। भारतीय रेलवे लगातार अपने सिस्टम को अपडेट करके यात्रियों के लिए आसान बना रहा है। अब यात्री कैशलेस और पेपरलेस टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब यह है कि अब ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करने वालों को भी टिकट खरीदने के लिए खिड़की की लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना होगा। दरअसल भारतीय रेलवे 3 CS को प्रमोट कर रहा है। इनमें पहला कैशलेस ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्ट लेस टिकटिंग और कस्टमर कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस है। इसके लिए रेलवे ने कुछ समय पहले ही UTS मोबाइल ऐप को देश भर में लॉन्च किया है। इससे पहले सुविधा मुंबई और दिल्ली के कुछ स्टेशन पर उपलब्ध। आपके फायदे की खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कम होगा बिजली बिल, 24 घंटे मिलेगी बिजली। भारी भरकम बिजली बिल का बोझ झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही आपके घर का बिजली मीटर बदलने वाला है। यही नहीं, आपका बिजली बिल भी कम होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले की शुरुआत अगले साल अप्रैल 2019 से होगी। दरअसल मोदी सरकार के बिजली मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि वह अगले 3 साल में देश भर में बिजली मीटर को बदल देगी। अब आपके घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। बिजली बिल कम होने के अलावा इससे कई फायदे होंगे। जियो यूजर्स के लिए तगड़ा झटका, इस एक वजह से बंद हो सकती है सर्विस। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो यूजर्स को तगड़ा झटका लग सकता है, उनकी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सर्कल के यूजर की सर्विस बंद हो सकती है। दरअसल इसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो है रिलायंस जियो और आरकॉम के बीच होने वाली डील। अगर यह डील नहीं हुई तो जियो यूजर्स को इन दिक्कतों से गुजरना पड़ सकता है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम अगर रिलायंस कम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम नहीं खरीद सकी तो कुछ सर्किल के यूजर पर इसका असर पड़ेगा। सपा विधायक को मंत्री न बनाने पर कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव, कहा हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सपा विधायक को मंत्री न बनाए जाने से कांग्रेस से नाराज हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमने MP में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है, फिर भी कांग्रेस ने हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाया। अखिलेश ने आगे कहा है कि ऐसी हरकत कर कांग्रेस ने यूपी में हमारा रास्ता साफ कर दिया है। अखिलेश के रुख से साफ हो गया है कि सपा बसपा गठबंधन से कांग्रेस बाहर रहेगी। पहले भी यह कयास लगाई जा रही थी कि सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। GATE 2019 एग्जाम शेड्यूल, गेट परीक्षा 2 फरवरी से, यहां चेक करें शेड्यूल। IIT मद्रास ने गेट 2019 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। गेट 2019 परीक्षा फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट gateiitm.ac.in पर जारी किया गया है। गेट 2019 की पहली परीक्षा 2 फरवरी 2019 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2, 3, 9 और 10 फरवरी को होगी। गेट परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से 5 बजे तक होगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 4 जनवरी 2019 को जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। SSC कर रहा है 1720 पदों पर भर्तियां, इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुल 1720 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये भर्तियां ऑफिस असिस्टेंट, TGT, वार्डन, डाटा ऑपरेटर, मैनुअल असिस्टेंट और दूसरे पदों के लिए होनी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारों के लिए नया साल लाएगा खुशियों का पिटारा, इन विभागों से मिलेगा जॉब। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो खुश हो जाइए, नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लाने वाला है क्योंकि नए साल में कई सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां निकलने वाली है। केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी कई पदों पर मेगा भर्तियां करने वाली है। देश भर के सरकारी बैंकों में करीब 1 लाख से ज्यादा भर्तियां होने वाली है। SBI के अलावा BOI और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी, क्लर्क, PO और दूसरे पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नए साल से शुरू करेंगे। कर्ज माफी के जवाब में मोदी सरकार का नया प्लान, किसानों को हर महीने मिलेंगे रुपए। किसानों के कर्ज माफी के जवाब में मोदी सरकार अब हर महीने एक तय रकम देने जैसी योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI स्कीम के तर्ज पर अलग अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इस प्लान को लागू करने के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बैठक करने वाले हैं। इस बैठक से पहले सभी मंत्रालयों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सुझाव मंगाए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वित्त मंत्री अरुण जेटली इस साल के अंतरिम बजट में UBI पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
दुनिया का पहला 48 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन हॉनर V20 लॉन्च, जाने इसकी कीमत और फीचर्स। चीन की स्मार्टफोन कंपनी हॉनर ने अपना नया स्मार्टफोन हॉनर V20 को घरेलू बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे खास बात यह है कि यह 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें पंच होल सेल्फी कैमरा डिजाइन दिया गया है जो हुआई नोवा 4 के तरह है। फोन की फीचर की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल सोनी कैमरा है, हिस्लिकॉन किरण 980 SoC प्रोसेसर, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, 4000 mAh की बैटरी और लिंक टर्बो टेक्नोलॉजी सबसे खास है। वहीं इसकी प्राइस की बात करें तो 2999 युआन यानी लगभग 30,400 रुपए होगी। RBI ने किया 20 रुपए के नए नोट का ऐलान, जानिए पहले से कितना होगा अलग। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 20 रुपए का नया नोट जारी करने का ऐलान किया है। RBI की ओर से जारी एक नोट के अनुसार 20 रुपए के नए नोट में कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर होंगे। नोटबंदी के बाद से अब तक केंद्रीय बैंक 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर चुका है। यह सभी नोट महात्मा गांधी सीरीज के जारी किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 रुपए के नए नोट पर भी ऐतिहासिक इमारत का फोटो लगाया जा सकता है। यह इमारत महाराष्ट्र की अजंता की गुफा हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 20 रुपए का यह नया नोट पुराने नोट के मुकाबले करीब 20% छोटा होगा। सावधान, 29 दिसंबर से महंगा हो सकता है टीवी देखना। ट्राई ने बदला नियम। अगर आप भी टीवी देखने के शौकीन हैं, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसे लागू करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने आदेश दे दिया है। ट्राई ने सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर को यह लागू करने के लिए कहा है। ट्राई के नए सिस्टम के अनुसार उपभोक्ताओं पर टीवी चैनल थोपा नहीं जाएगा, बल्कि उनके पास आजादी होगी कि वे जिस चैनल को देखना चाहते हैं उसी के हिसाब से भुगतान करें। सभी चैनल अलग अलग और बुके के रूप में उपलब्ध होंगे, जिन्हें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। इस कंपनी ने बदला अपना प्लान। अब यूजर्स को मिलेगा 123 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल। टेलीकॉम कंपनियों के बीच डेटा वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए एक तरफ जहां नए नए प्लान लॉन्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियां अपने प्लान को रिवाइज कर अपने यूजर को रिझाने का काम कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एयरटेल ने 448 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में कुछ बदलाव किया है। पहले जहां एयरटेल के 448 रुपए वाले प्लान में रोजाना 1.4 GB डेटा मिलता था, वहीं अभी इस प्लान में यूजर को रोजाना 1.5 GB डेटा मिलेगा। इस तरह यूजर को अब 123 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा आपको इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल, प्रतिदिन 100 SMS का लाभ भी मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 82 दिनों की होगी। मोदी सरकार का विशेष फरमान, 15 जनवरी के बाद पहनना होगा सिर्फ यह खास हेलमेट। ट्रैफिक नियमों को नहीं मानने और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हर साल हजारों लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इसलिए परिवहन विभाग की तरफ से समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है, वे हमेशा हेलमेट पहनकर चले। चालान से बचने के लिए मार्केट में सस्ता हेलमेट बिकता है, लेकिन नए साल में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर नए नियम तय कर दिए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 जनवरी से केवल ISI प्रमाणित हेलमेट ही बेचे जा सकते हैं। अगर हेलमेट बनाने वाली कंपनी मानकों का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। हेलमेट बेचने वालों को 2 साल जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 1 जनवरी से मोदी सरकार शुरू करेगी सबसे बड़ी योजना, सिर्फ 21 दिन में आपको देगी नौकरी। मोदी सरकार नए साल में नए तोहफे देने की तैयारी कर रही है, खासकर बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। अब 1 जनवरी के बाद बेरोजगारों को चंद दिनों में नौकरी मिल जाएगी। दरअसल 1 जनवरी से सरकार अपनी एक और बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगारों को अपने साथ जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग भी देगी और नौकरी भी देगी। लोगों को बतौर वरुण मित्र बनाकर सरकार उन्हें नौकरी देगी। खास बात यह है कि इसके आवेदन के लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी होगी। अब नहीं आएगा बिजली का बिल, नए साल से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अगर आप अपने ज्यादा बिजली के बिल से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अब जल्द ही आपके घर बिजली का बिल नहीं आएगा और इसकी शुरुआत अगले साल यानी अप्रैल 2019 से होगी। मोदी सरकार ने सभी लोगों को राहत देने वाला फैसला लेते हुए बिजली मंत्रालय ने फैसला किया है कि अगले 3 सालों में वह देश भर में बिजली के सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड में बदलेगी। बिजली मंत्रालय के इस फैसले का मकसद बिजली के ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले नुकसान में कमी लाना है। दोस्तों, तो ये थी आज की बड़ी खबर। ये रहा आज का सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। सही जवाब देने वालों को बीबी न्यूज की तरफ से मिलेगा अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट। तो जल्द से जल्द आप हमें इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।